ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, आज हाजिर है आपकी राधा मैम आपके लिए लेके एक नई एक्सरसाइज 10C। ओके, अब इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो बेस्ड होंगे ट्रायंगल के इनइक्वालिटी थ्योरम पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ट्रायंगल का इनइक्वालिटी थ्योरम होता क्या है ये तो समझ लो। देखो, ट्रायंगल अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स है। अब ये 3 साइड्स सपोज ये है ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर हम इन दो साइड को ऐड कर देते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा इसकी तीसरी साइड ए सी से। समझे इसको कि ये साइड ले लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे नहीं कि यही दो साइड लेंगे, आप बी सी प्लस ए सी कर सकते हो, इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। अब और कौन सा कॉम्बिनेशन, ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो हमें हमेशा ये प्रूव करना होगा कि जो दो साइड है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर आती है। दैट्स इट, इतना सा प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मेजरमेंट, तो क्या है वो ट्रायंगल बन सकता है। ओके, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है। और अगर नहीं हो सकती, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, सपोज कि आता है इक्वल आता है यहाँ पे कि दो साइड की एडिशन इक्वल आ रही है थर्ड साइड के या फिर लेस आ रही है, तो हम लिखेंगे कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, टू ड्रॉ द ट्रायंगल विद सच अ मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है, समझो इसको। तो चलो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन अ ट्रायंगल बी ड्रॉन विद लेंथ ऑफ साइड गिवन बिलो, गिव रीजन। ओके, आपको इन लेंथ के साथ में क्या ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है ये बताना है, और अगर है और नहीं है तो क्यों है ऐसा, आपको रीजन देना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने 3 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर एंड हियर 6 सेंटीमीटर। लेट्स सी, 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे इन दोनों को एक साइड कंसीडर करें, यहाँ पे ये थर्ड साइड फर्स्ट कंडीशन में 3 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर। ओके, कितना आता है यहाँ पे, ये थर्ड साइड होगी यहाँ पे, तो 3 प्लस 5.5 कितना आता है 5, 6, 7, 8, 8.5, it is 8.5 सेंटीमीटर, it is greater than 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो ग्रेटर है। ओके, अब देखते हैं कि दूसरे इसमें कि इसको लो और इसको लो, 5.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ग्रेटर ही होगा, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना होता है, 6 प्लस 5 होता है 11, और ये 0.5, ओके, ये सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी कि आपने इसको और इसको ले लिया, फिर इसको और इसको ले लिया, अब इसको और इसको लो, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तीनों कंडीशन में ये बता रहा है कि ग्रेटर है। ओके, देयरफॉर बाय इनइक्वालिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल the triangle is possible with given measurement, ठीक है। कि हमने रीजन क्या दिया यहाँ पे कि by inequality theorem of a triangle the triangle is possible with a given measurement, ठीक है। कि inequality theorem इसको हमने लगा के देखा, हमने देखा कि क्या ये सब greater आते हैं, दो side की addition third side से greater आती है क्या। अब यहाँ पे सब
साइंस ने क्या करा है, सेटिस्फाई करा है क्राइटेरिया, इसीलिए ये थ्योरम इसने सेटिस्फाई करा है, इसीलिए पॉसिबल है ट्रायंगल ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इसका आंसर हो गया, आई होप आपको समझ में आया हो। चलो सेकंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, हियर द मेजरमेंट आर 2.1 सेंटीमीटर। ओके, लो फिर इसको 2.1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगाया नहीं तो भी चलेगा, लास्ट में देना मत भूलना। ठीक है, तो 2.1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लेस देन बताना है। 2 प्लस 3 होता है 5.1। ओके, और विच इज लेस देन, ओके, विच इज लेस देन 5.2, यही पे तो पता चल रहा है। ओके, तो एक ही कंडीशन में इसने फर्स्ट में ही दिखा दिया, एक ही इसमें दिखा दिया कि नहीं होता है, यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 2.1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5.1 हुआ। अब तीसरी साइड हमारी 5.2 की है, तो हमें कंडीशन है कि यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए एडिशन, किससे, थर्ड साइड से, लेकिन ये लेस आ रही है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी थ्योरम क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। दैट्स व्हाई द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल विद दिस मेजरमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल विद दिस साइज। व्हाई, क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये रीजन लिखा है, आप क्या लिख सकते हो, और भी ऑप्शन है आपके पास में, आप लिख सकते हो कि इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी थ्योरम। ओके, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, ये इजी जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे बाय इनइक्वालिटी थ्योरम लिखने से ये भी लिख सकते हो कि हियर द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, दैट्स व्हाई द ट्रायंगल इज पॉसिबल विद दिस साइड, ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, आई होप आपको समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट करते हैं, 4.2 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी गई है साइड्स की, तो इसको करते हैं फिर 4.2 प्लस 4.3, अब 4 प्लस 4 8 होगा एंड 3 प्लस 2 होगा 5, 8.5 हो गया, 8.5 इज इक्वल टू 8.5 आ गया हमारा। अब ये तो भैया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा इससे ट्रायंगल फॉर्म, नो ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सो द ट्रायंगल, देखो ये लिखा ही नहीं, आज लिखने चाहिए मैं द ट्रायंगल विथ given sides is not possible as sum of two sides is not greater than third one। ठीक है, आप ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है अपने मन से लिख सकते हो। ओके, ऐसे नहीं बोलना है कि मैम आपने पहले क्वेश्चन में अलग दिया था, सेकंड क्वेश्चन में अलग दिया था, थर्ड में अलग दे रहे हो, नहीं, आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, जस्ट वो जो स्टेटमेंट है हमारी उस स्टेटमेंट को स्टिक रहना है कि टू साइड की एडिशन थर्ड साइड की एडिशन, थर्ड साइड की एडिशन थोड़ी होती है, टू साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए, दैट्स इट, इतना है, इतना ध्यान में रखो। ओके, तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनानी है कि हाँ भाई ग्रेटर है लेस से, तो ऐसा है वैसा है और ये पॉसिबल है कि नहीं है बताना, दैट्स इट। ओके, अब ये देखो, इसको करो तो यहाँ पे
6.5, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखो रे, ठीक है। अब यहाँ पे 6.5 प्लस 7, अब यहाँ पे करो पहले इसको 6 प्लस 7, देखो 6 प्लस 6 12 देन 13.5, ओके 13.5 इज ग्रेटर देन 13 आया है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं फिर, अब यहाँ पे 7 प्लस 13 करते हैं, 7 प्लस 13 कितना आता है, देखो 7 प्लस 13 आया है हमारे पास 20, 20 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6.5 सेंटीमीटर, ओके। सो ओके अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब देखो कि नेक्स्ट ये दोनों हो गए, ठीक है, अब ये दोनों भी हो गए, अब इसको और इसको लेना है कि 6.5 प्लस 13, ओके, अब 19.5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दी 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ग्रेटर आया है 7 सेंटीमीटर से, दो दो के कॉम्बिनेशन लो, थर्ड साइड को ग्रेटर बताओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6. फर्स्ट केस में क्या करा, 6.5 और 7 को लिया, ग्रेटर बताया 13 से है, ठीक है, एडिशन क्या है, ग्रेटर है उसकी 13 से। अब यहाँ पे फिर लिया 7 को और 13 को, उसको बताया कि ये 6.5 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आगे आगे बढ़ते जाना है, अगर एक ही बार में या फिर सेकंड टाइम में वो एडिशन सेटिस्फाई नहीं करती है, ओके, क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करती, तो आपको सबके लिए प्रूव करते नहीं बैठना है, ठीक है, वही पे बता देना है कि इसके साथ में पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे हो गया इतना, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे कि विद दिस साइड, दीज आएगा ना, दीज साइड विद दीज साइड्स ट्राइंगल इज पॉसिबल, है ना, पॉसिबल होगा, क्यों पॉसिबल होगा, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड वन लिख सकते हैं, थर्ड साइड लिख सकते हो, समझे हो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया हो। सी द सेकंड क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द थर्ड साइड कैन हैव। अब यहाँ पे बताया गया है कि दो साइड आपको दी गई है, मैं एक रफ स्केच से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कि आपके पास में दो साइड है, आपको थर्ड साइड की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। ये है ट्रायंगल ए बी सी, डायग्राम निकालनी कंपलसरी नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। ये है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कि कह रहा है कि आपको थर्ड साइड की क्या रेंज होगी ये बतानी है, तो आपको सिंपली थ्योरम पता होनी चाहिए ट्रायंगल के। क्या है थ्योरम, कि फर्स्ट तो इनइक्वालिटी थ्योरम है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि कोई भी दो साइड की एडिशन जो होती है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। और एक थ्योरम है कि जो ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस होता है, दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा लेस होता है थर्ड साइड से, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, थर्ड साइड से लेस, और सम क्या होती है, थर्ड साइड से ग्रेटर, ठीक है। टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब देयर फॉर 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ओके, अब ये जो आंसर आया है इसका क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, समझे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि दूसरी कंडीशन क्या है, कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड,
ठीक है, जो डिफरेंस होगा दो साइड का वो लेस होगा थर्ड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, बड़ी साइड से छोटी साइड माइनस करना हमेशा, तो यहाँ पे आता है 4 सेंटीमीटर। ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए थर्ड साइड से, तो ये लेस है, यहाँ पे हम थर्ड साइड लिख देते हैं। अब ये दो रिजल्ट, ये दो थ्योरम के हिसाब से हमने दो स्टेटमेंट बना लिए। अब इनको कंबाइन करो, इसको हम स्टेटमेंट वन देते हैं, इसको इक्वेशन टू देते हैं, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। इक्वेशन वन और टू को कंबाइन करके हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारी थर्ड साइड है, देखो थर्ड साइड लिखती हूँ, अब थर्ड साइड यहाँ पे मैंने बताया है कि लेस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि 16 ग्रेटर है थर्ड साइड से, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो ये रेंज हो गई है थर्ड साइड की, समझो कि 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी थर्ड साइड, ओके, और यहाँ पे थर्ड साइड से ग्रेटर है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी रेंज यहाँ पे बीच में आ गई है, समझे ओके इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, तो ये है क्वेश्चन नंबर टू आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट है। दीज क्वेश्चंस वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल, जय हिंद।